आप सभी को वेलकम करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 का पेपर आप सभी लोगों ने दिया होगा, इसका रिजल्ट आ गया है। एक एक करके फटाफट से हम अपने इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आप सभी को पता है कि अभी 4-5 दिन पहले एसएससी ने आपके मेंस के एग्जाम की डेट्स जारी करी थी, तो अभी इन्होंने टीयर 1 का रिजल्ट दे दिया है। तो अभी यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस जगह पर आपको कौन कौन से कितने कितने कट ऑफ क्या क्या रहे हैं वो पता चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके के AAO पोस्ट या फिर जिसे हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर्स के नाम से दो पोस्टों को जानते हैं, इसमें आपको कट ऑफ यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिख जाएगी। एससी की बात करें 137, एसटी की 131, ओबीसी की 152, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 154 और यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको नजर आएगी 158 कट ऑफ। टोटल कैंडिडेट इन्होंने लगभग 4776 लिए हैं। इसके बाद हम आते हैं आपकी सेकंड लिस्ट जिसे हम कहते हैं आपकी जेएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गई है, एससी की 150 है, एसटी की भी 150 है, ओबीसी की 167, ईडब्ल्यूएस की यहां पर आपको नजर आ रही है 169। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहां पर नजर आएगी जो मेन कट ऑफ लिस्ट होती है जो कि आपकी एओ और जेएसओ से अलग अलग होती है, जिसमें जनरली सभी के सभी स्टूडेंट्स आपके आ गए हैं। उसमें एससी की कट ऑफ गई है 89, एसटी की कट ऑफ गई है 77, ओबीसी की 114, ईडब्ल्यूएस की 102, यूआर की 104 और टोटल इन्होंने इस लिस्ट के अंदर जो नाम दिए हैं वो दिए हैं आपके 36,04,32 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये एक यहाँ पर आपको चीज याद रखनी है, 360,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने क्वालिफाई किया है। पेपर आपके सामने है, 2 से 7 मार्च के बीच में आपका पेपर होने वाला है, तैयारी बढ़िया से कर दीजिए शुरू। थैंक यू, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आती है। कोई भी अगर आपको इश्यू आता है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा।